नमस्कार, मैं हूँ रेखा यादव और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। कार्तिक कृष्ण द्वादशी को गौ उत्सव द्वादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन गौधुली बेला में गौओं की पूजा की जाती है। इस बार ये द्वादशी 16 अक्टूबर को है। खासकर पुत्रवान महिलाएं सारा दिन निराहार रहती हैं। संध्या के समय घर के आंगन को लीपकर चौक पूरती हैं। उसी चौक में गाय खड़ी करके चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नवेद आदि से विधिवत पूजा की जाती है। इस व्रत के पूजन में धान या चावल वर्जित है। काकुन के चावल से पूजा की जाती है और उसी से मंत्राक्षत दिया जाता है। इस दिन चने की दाल के भोजन का महत्व है। गेहूं और धान के अतिरिक्त गाय का दूध भी इस दिन खाना वर्जित है। ये व्रत कार्तिक, माघ, वैशाख और श्रावण महीनों के कृष्ण द्वादशी को होता है। कार्तिक में वत्सवंश की पूजा का विधान है। इस दिन के लिए मूंग, मोठ और बाजरा अंकुरित करके दोपहर के समय बछड़े को सजाने का विशेष विधान है। व्रत करने वाले व्यक्ति को भी इस दिन इसी अन्न को ग्रहण करना पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पहली बार श्री कृष्ण वन में गाय और बछड़े को चराने गए थे। इस दिन माता यशोदा ने श्री कृष्ण का श्रृंगार करके उन्हें गौचारण के लिए तैयार किया था। पूजा पाठ के बाद गोपाल ने बछड़े खोल दिए। यशोदा ने बलराम जी से कहा कि बछड़ों को चराने दूर मत जाना और कान्हा को अकेले मत छोड़ना, देखना यमुना के किनारे अकेले ना चला जाए। गोपालों द्वारा गौ संचारण की पुण्यतिथि को इसीलिए पर्व के रूप में मनाया जाता है। ये पर्व पुत्र की मंगल कामना के लिए किया जाता है। इसे पुत्रवती स्त्रियां करती हैं। इस पर्व पर गीली मिट्टी की गाय, बछड़ा, बाघ और बाघिन की मूर्तियां बनाकर पाट पर रखी जाती है। तब उनकी विधिवत पूजा की जाती है। कहते हैं जो पुत्रवती स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, इससे उनकी पुत्र की आयु, सुख, संपत्ति और समृद्धि बढ़ती है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए बोल्ड स्काई के साथ और हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।